लोग कहते हैं कोई जोड़ी जुदा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जुदा होती है, जुदा होती है भाई, जुदा होती है। लेकिन इसी जुदा को देखने के लिए हम देखेंगे आगे देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ बुलबुल कांडू चूतिए और आप देख रहे हैं पेट्रोल रेक के। सावधान रहिए, आग मत जलाइए। हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है वैलेंटाइन, और ये वैलेंटाइन उसी के लिए होता है जो प्यार करता है, सच्चा प्यार। और पार्क में तो हर जगह पे जोड़ी, इस कोने पे जोड़ी, उस कोने पे जोड़ी, इस कोने, मतलब हर जगह पे जोड़ी। हम लोग कहाँ बैठेंगे, बैठने के लिए जगह नहीं रहता। वैसे हम सिंगल रहते हैं, ना तो कोई गर्लफ्रेंड, ना तो कोई कुछ। छोड़ो ये बातें, छोड़ो। तो वो जो बातें हो रही थी ना, क्या जुदा होने की, तो वो कहीं नहीं देखे हम लोग। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी बिना किसी बकचोदी के। जानू, आ रही हूँ आ रही हूँ, रुको रुको, और दो मिनट रुको, मैं आ भी आता हूँ। ऐसी लड़की ने 4-5 घंटे तक वेट करती रही, लेकिन अभी तक उसकी बॉयफ्रेंड का कोई पता नहीं। इसी समय लड़की के मन में इमोशनल होकर एक ही ख्याल आएगी, एक ही ख्याल नहीं, गाना आएगी, मेरा इंतजार का मजा लीजिए। तो उसकी बॉयफ्रेंड अभी तक आई क्यों नहीं? आखिर वो मर्डर हो गया, आखिर वो खून हो गया, आखिर वो कातिल हो गया। कातिल? अरे एक ही तो चीज़ है। छोड़ो, आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो सीआईडी, कौन हो तुम लोग? जी मैं सीआईडी, मैं दया हूँ, मैं अभिजीत। अरे वाह, इतना जल्दी? हाँ मैम, हम लोग हमेशा फास्ट रहते हैं, बहुत फास्ट। बोलिए आपको क्या तकलीफ है? हाँ बोलिए। मेरा बॉयफ्रेंड खो गया। बॉयफ्रेंड? पांक। आज वैलेंटाइन डे है, अभी तक उसका पता नहीं कहाँ चला गया। आप लोगों को उससे ढूंढना पड़ेगा। पांक। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये बॉयफ्रेंड ढूंढने का काम नहीं करते। चलते चलिए चलिए। बॉस बॉस, पैसा मिलेगा तो कर देंगे, हमारा पैसा का जरूरत है। सही है सर, पैसा मिलेगा तो कर देंगे। बोलो मैडम को। जी इसके लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, 5 दूंगा। 5? 5 रुपये? पांक। 5 रुपये का दे? अरे बॉस, 5 रुपये नहीं, 5 लाख देगा। 5 लाख? जी 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 मैडम जी, बोलिए बोलिए। नहीं करेंगे करेंगे, हम करेंगे, हम ये काम कर देंगे। लेकिन मुझे अब भी क्या, अब भी चाहिए मेरा बॉयफ्रेंड। जी आपका अब भी क्या, अभी मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा जंगल में हम साले लौंडे को कहाँ पर ढूंढेंगे? सही सर, सही, इतनी बड़ी जंगल में। वही तो बात है दया अभिजीत, वही तो, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इस जंगल में तो यही पर आएंगे। लौंडे कहाँ पे? वैलेंटाइन डे है सर, यहाँ पर ही
कोई ना कोई कोने में रहेगा, हमें अच्छे से देखना पड़ेगा साले लौंडे को। अबे बाबू के मेरे डायलॉग तुम क्यों मार रहे हो? इस जंगल में होगा, अच्छी तरह ढूंढो देखो, लेकिन संभाल के, कोई कुछ भी कर सकता है इसमें। सही बात, इतने बड़े जंगल में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, संभाल के देखो, संभाल के देखो, जाओ। सर सर उस कोने पे देखो चल रहा है। सही दिया अभिजीत, जाओ देखो देखो अच्छी तरह देखो, चलो चलो हम भी देखते हैं। सर वो तो देख रही है सर, हमें भी देख रही है। देखो देखो देखो, हाथ है अभिजीत। हाँ सर, देख के छुप रहा है, छुप रहा है, छुप रहा है, छुप रहा है। लगता है यही है। हाँ सर, मुझे भी लगता है यही है। हाँ अभिजीत सही है ना? सर ये घटिया लौंडा है, देख के लगता है यही हो सकता है। हाँ देख के छुप रहा है, देख के छुप रहा है, यही साले कैसा लौंडो को मिल जाता है ऐसा लड़की। सही बात दया, सही बात, इसमें तो इस जगह पे तुम्हें होना चाहिए। नहीं सर मुझे होना चाहिए। अरे भोसरी बालों कभी लड़की देखी है? गाना चप्पन मारूंगा ना जिंदगी का। ओके 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 सर, चलो चलो चलते कौन है चलते, आ जाओ आ जाओ खाली है। अबे गांडे जल्दी चल, पकड़ो 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 पकड़ो। ये ले जाओ पर्स। हाँ आ गया, यही है ना? देखो देखो बहुत मेहनत करके लेके आए मैम। अबे इधर देखो, ये कौन है? किसको उठा लाया मैम? ये आपकी बॉयफ्रेंड है? नहीं तो ये बॉयफ्रेंड नहीं? नहीं नहीं तो कौन है ये? ये सर हमने इतनी मेहनत करके लेके आए इसको। ये क्या हुआ? ये किया मैं आपकी हो सकती हूं? भोसरी वाले, ये वही रहे ना भोसरी वाले? दिखाई तो दे रही है। दया अभिजीत। हाँ सर, गड़बड़ है सर, ये भोसरी के तो जंगल में घुस गया। हाँ हाँ जंगल में घुस के ज्यादा क्लोज हो गया। दया अभिजीत जंगल में तो खजाना मिलते हैं। तो सर इतनी बड़ी जंगल में लड़का लड़की क्या करती है? अभिजीत यही तो बड़ी बात, अगर ये तुम्हें पता होता तो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहते। तो कहाँ थी? सीधा तुम भी पार्क में जाते। ओ भोसरी क्या, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ आओ। ओके ठीक है। अरे भैंस के साथ बकरी क्या कर रही है अपन? सर ये लौंडा तो बहुत छोटा लगता है, और लौंडिया को देखो। वही तो बोल रही हूँ दया, बकरी है फिगर है भाई। लौंडा क्या चूहे जैसा लग रहा है, और लौंडिया एक भैंस की तरह छोटा लग रहा। सर इसके पहले तो गलत आदमी को उठा लिया था। सही बात, वही तो दया 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 अभिजीत, पहले देख क्या हो, सही से देखना पड़ेगा फिर उठा के लेके जाएंगे। बेटी तो सही से करियो, जाओ देख क्या हो। अरे दया क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं सर कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी का तो मैं उम्मीद करता हूँ। दया कुछ करके तो आएगा ही। तो क्या हुआ? वो है वही लौंडा है। क्या बताओ मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है लेकिन कंफर्म नहीं हूँ। तू भी ना सही से, अबे बहुत सर के एक भी काम ठीक से नहीं कर रहे हो तुम। मैं जाता हूँ। अभिजीत सही से करियो, मजा आना चाहिए। अभिजीत हाँ थोड़ा दूर से देखियो। अरे मैं तेरे जैसे नहीं हूँ। मैं ठीक ठीक है ठीक है, मालूम पड़ेगा। जा
क्या हुआ अभिजीत? सर कंफर्म वही है, वही तो, वही उस डंडे को उठाना पड़ेगा, उस डंडे को उठाना पड़ेगा। लेकिन अबे बॉसरी क्या तुम लोग क्या पी जा रहे हो, गाल पकड़ के क्यों आ रहे हो? नहीं सर उधर बहुत खुजली हो रही थी इसलिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? हाँ ठीक है चलो, कुछ नहीं हुआ हमें। हाँ सर ये जो आदमी है बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ हाँ अबे हाथ बहुत कड़क है सर, इसके हाथ बहुत कड़क है। अबे बड़े बड़े गुंडों को मैंने ऐसे मार के सीधा किया। चलो सर सर हमारे अच्छे से पकड़ना पड़ेगा साले को। हाँ सही है। जाओ आगे साले को, अभी क्या जाएगा बात के निकल के। यह है मैडम आपके पार्सल। सही है? यही तो है। कहाँ थे तुम? उठ जा भाई, मैं आपके लिए कुछ और ला रही हूँ। पंक। तुम चुप क्यों हो? क्या? तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहाँ चुप के बैठे थे तुम? आज वैलेंटाइन डे तुम कहाँ थे? कहाँ चुप के बैठे थे? सर ये 5 लाख है? नहीं तो सर ये तो 5 रुपया है। ये कैसा आदमी है ये? तुमने जो बोला 5 लाख देगा। हाँ हाँ क्या दिया तुमने तो बोला था। मैं तो वही समझा। देखो आपने, इस प्यार के मायने में कोई कुछ भी कर सकती है, चाहे आपकी बॉयफ्रेंड हो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो। इसीलिए इसी समय अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को सुरक्षित रखिए, सावधान रखिए, नहीं तो और किसी के साथ भाग सकती है। तो फिर मिलेंगे, और आप भी पेट्रोल लेकर सावधान रहिए, आग मत जलाइए और देखते रहिए पेट्रोल सावधान। आप लोगों को कैसा लगा होगा कमेंट में जरूर बताओ, और अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और बहुत अच्छा लगे तो प्लीज एक शेयर कर दीजिए। तो हमारे साथ रहिए और फनी फनी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा। हाँ। तो गाइस बाय बाय बाय।